चलने में दिक्कत हो रहा है? चलने में दिक्कत हो रहा है, बेड़ा पार लगाएगा मालिक। अच्छा, भरोसा है? बस बाबा पे ध्यान रखिए, सब कुछ बेड़ा पार लगा देंगे। स्टैंड पर कवर रखिए और हमारे यहाँ का आलू और केला का स्पेशल सलहारी जलेबी आप खा कर जाए। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर की यात्रा पर जा रहे आप सभी कांवड़िया तीर्थयात्रियों का हार्दिक अभिनंदन है। महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू अपडेट में, और अभी हम हैं मनिया मोड़ में, और मनिया के कांवरिया पथ का आज जो है ना अपडेट देने वाले हैं। पीछे देख रहे हैं, ये वाला एक रोड है, इस रोड से भी जा सकते हैं, मतलब ये नहर के पीछे वाला रोड है। तो चलते हैं, आज जो है हम पूरा जो है मनिया का अपडेट दिखाते हैं। तो लगातार जो है वीडियो में बने रहिए अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। ऐसे ही जो है ना भीड़ वाला जो है हम अपडेट आप तक देते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं ना भीड़ वाला जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। तो लगातार देख रहे हैं कितना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, पीछे देख रहे हैं बहुत दूर दूर तक भीड़ ही भीड़ है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। ये देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर भीड़ दिखाई दे रहा है और लगातार बढ़ते ही जाता है। तो चलते हैं हम साथ साथ चलकर दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं लगातार किस प्रकार भीड़ बढ़ता ही जा रहा है और कांवरियों का भीड़ शुरू हो गया है। और अभी के टाइम में अगर आप यात्रा में आते हैं तो बहुत ही आपको भीड़ वाले के साथ चलना पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे कांवरियाँ हैं जो भीड़ के साथ चलना चाहते हैं। तो चलते हैं और दिखाते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से हम चलते हैं और देख रहे हैं सामने एक मज़ा वाला भाई है, वो कोल्ड ड्रिंक्स दे रहे हैं और उसका चार्ज सिर्फ 20 रुपये मांगा जा रहा है, छोटा पैक है। और यहाँ से हम बढ़ते हैं और साथ में चलते हुए चलेंगे कांवरिया पथ पर और दिखाते हुए चलेंगे कुछ दूर तक, क्योंकि दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से लंबी लाइन किस प्रकार दिखाई दे रही है दूर दूर तक। यहाँ से चलेंगे और यहाँ से आगे इस साइड में है मनिया का धर्मशाला। तो यहाँ पर अब बहुत सारे ऐसे आते हैं जिसको हमने दिखाया धर्मशाला में, तैयारी जो है बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा ऐसा है जो यहाँ पर भी रुकते हैं। पहले दिन पहला पड़ाव उनका होता है जब सुल्तानगंज से यात्रा शुरू करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं सामने मनिया का बोर्ड लगा है, चलते हैं वहाँ भी दिखा देते हैं। और यहाँ से जो लगातार आगे देख रहे हैं ना, बिल्कुल लंबी लाइन ही दिखाई दे रहा है कांवरिया पथ पर, और बहुत सारा यहाँ पर देख रहे हैं दुकान होटल और देख रहे हैं यहाँ पर चल रहा है। और आगे हमने पिछली बार दिखाया था पिछली वीडियो में कि रांची का जो डाक बम सेवा समिति आया हुआ था वो अभी भी है और रहेंगे पूरा श्रावणी मेला में। देख रहे हैं ये रहा मनिया, और यहाँ से चलते हैं आगे। मनिया को थोड़ा स्क्रैच करके उसको ख़राब कर दिया है, उसका कर दिया गया है ननिया थोड़ा सा, यहाँ के जो नटखट बच्चे लोग होते हैं। फिर यहाँ से देख रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं किस प्रकार दिखाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर भी देख रहे हैं बहुत सारे जो है कांवर रख के विश्राम में यहाँ पर देख रहे हैं आराम से करने के लिए, क्योंकि चलते चलते थक जाते हैं। और फिर यहाँ से चलते हैं और आगे चल के दिखाते हैं कुछ दूरी पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ना कितना सारा यहाँ पर मतलब दुकान वगैरह है लगा हुआ है, और सुविधाएं बिल्कुल दोस्तों रुकने ठहरने खाने पीने का सभी प्रकार के है। तो फिलहाल देख रहे हैं हम इस ओर जा रहे हैं तो किस प्रकार दिखाई दे रहा है, रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ है और कांवरियों का भीड़ बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज़्यादा फोकस रहता है दोस्तों की भीड़ को लेकर के, और सभी जगह देख रहे हैं अनाउंस भी किया जा रहा है दुकान होटल में जलेबी वगैरह का, खाना का, रहने का, सोने का, सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है, जैसे कि आपको सुनाया जा रहा हो, सुन रहे होंगे आप। स्टैंड पर कवर रखिए और हमारे यहाँ का आलू और केला का स्पेशल सलहारी जलेबी आप खा कर जाए। बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर की यात्रा पर जा रहे आप सभी कांवरिया तीर्थयात्रियों का हार्दिक अभिनंदन है। देख रहे हैं ये वाला जो बड़ा होटल है ना यहाँ पर, इसी में बताया जा रहा है, इसी में सभी सुविधा है। और आगे आपका ब्लू वाला जो है वहीं पर है आपका डाक बम सेवा समिति, और जिसको हमने भी पहले कभी दिखाया था और अभी भी एक बार दिखाने वाले हैं जा कर के वहाँ पर, जैसे कि देख पा रहे हैं पूरा जो है अभी डाक बम चलना शुरू नहीं हुआ है, और जैसे ही यहाँ पर चलना शुरू होंगे तो उसको भी दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों उसको हमने कवर नहीं कर पाया, एक दो जो है वो पहले ही आगे निकल चुके। और यही वाला देख रहे हैं रांची वाला डाक बम सेवा समिति यहीं पर है और यहाँ पर ही सुविधा दी जाती है। और इधर में भी देख रहे हैं कांवरिया लोग आ रहे हैं, इधर में भी देख रहे हैं बहुत सारा दुकान वगैरह है। यहाँ पर किस प्रकार पानी की सुविधा दी जा रही है, और यहाँ से देखिए किस प्रकार इधर से आ रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं यहाँ पर के। और ये वाइट वाला जो ड्रेस वाला है ये लग रहे हैं डाक बम है, लेकिन देखने के बाद पता चल रहा है कि गोल बम ही है, डाक बम इतना धीरे धीरे नहीं चलते हैं और लगातार जो है चलते ही जा रहे हैं। और फिलहाल देख रहे हैं पीछे से दो वाइट वाले आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा यहाँ से आगे चल करके दिखाते हैं इस साइड से, और एक बार हम आपको इधर से दिखा रहे हैं सामने से चल करके, तो देखते जा रहे हैं।
और वो दिख रहे हैं, आने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं फिर से जो है सामने भीड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है और आ चुका है, दिखा रहे हैं कितना ज़्यादा जो है पूरा भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए डाक बम ही लिखा हुआ है उसके टी शर्ट पे और डाक बम ही है। आप लोग जल कब उठाए थे? जल कब उठाए थे आप लोग? 10 सुबह। आप लोग डाक बम है ना, तो 10 बजे ही जल उठा लिए थे। अच्छा, और वहाँ पर भीड़ ज़्यादा था? घाट पर, गंगा घाट पर भीड़ था। और रास्ते में और भी आ रहे होंगे बहुत सारा। कितना पीछे छोड़ दिया आप लोग? पीछे है, बहुत सारे पीछे हैं, बहुत सारा पीछे है। अच्छा, तो अभी चलने में दिक्कत हो रहा है? चलने में दिक्कत हो रहा है, बेड़ा पार लगाएगा मालिक। अच्छा, भरोसा है, बस बाबा पे ध्यान रखिए, सब कुछ बेड़ा पार लगा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा धूप है, थोड़ा स्पीड चलते हैं। हाँ हाँ, शाम ठंडा आएगा फिर जुनून देगा। मौसम ठंडा हो जाएगा तो आप जा सकते हैं, गति बढ़ जाएगा हम लोग का। मालिक जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वापस देख रहे हैं हम, यहाँ तक आ चुके दिखाते दिखाते डाक बम को। और इसके बाद दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ सभी भक्तों को।